हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे बिरला सॉफ्ट के ऊपर। जेनसार टेक नाम की कंपनी थी, 200 से 220 के बीच में मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी वो दिखाई थी मैंने लाइव कि मेरे इतनी क्वांटिटी मेरे पोर्टफोलियो में है, दिखाई थी आप लोगों को। आज वो शेयर 500 रुपए के लगभग आ चुका है। मैंने बेचकर उसमें से फ्री वाले स्टॉक छोड़ दिए, अपनी कॉस्ट निकाल भी ली है, ये भी अपडेट मैंने आपको दी है। और ऐसे ही सेकेंड स्टॉक था हमारा बिरला सॉफ्ट, जब सारी दुनिया नेगेटिव थी, ये तो बेकार कंपनी है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, कोई बात नहीं, उस वक्त हम उसका हाथ था में 250, 260, 270, 280 क्लियर बताया था कि मैं यहां पे बाय कर रहा हूं कुछ क्वांटिटी, और उसका अभी आपको वीडियो सुना भी दूंगा, क्लियरली वो दिखा भी दूंगा कि यहां पे हमने बात करी थी। और आज स्टॉक उसमें हमने उस वीडियो में हमने बात करी थी मिनिमम 2x होगा आने वाले 2 साल में, ये स्टॉक लगभग दो गुना होने को इसी साल रेडी हो चुका है। मई 2023 के अंदर एक वीडियो और डाला था बिरला सॉफ्ट के ऊपर, ये वाला, इसमें बताया था कि स्टॉक में बॉटम बन चुका है, 99% चांस है, गारंटी नहीं है। और नवंबर 2022 के अंदर ये वाला वीडियो डाल के मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे इसको बाय कर रहा हूँ, ये अभी आपको वीडियो सुना भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो मैं बोलता हूँ कि आप वेव्स को समझो, वेव को जानो, उनमें कुछ ना कुछ सार है। आप अगर ब्लाइंड बाय कहीं भी स्टॉक में कर रहे हो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वेव्स को समझो, वेव को जानो। अरे नहीं समझ आता तो पहले सीखो ना, सीखने में आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है, आपको लगता है। और सीख के यहां हमारी तो कमिटमेंट है कि आप लाइफ टाइम हमारे ग्रुप में हो, लोग तो आपको सिखा के छोड़ देते हैं, यहां तो कमिटमेंट ही है। तो भी मैं आप लोगों को कहता हूं कि पहले सीखो, कहीं से भी सीखो भैया, सीख लो एक बार, ताकि आप अपने जीवन में आगे वेव्स को समझ पाओ। क्योंकि हमने बड़ी ठोकरें खाई है, बड़ी धक्के खाए हैं, और हमने बड़े लॉसेस किए हैं, लेकिन अब हम लोग जिस स्टेज पर आ चुके हैं, हम नहीं चाहते कि आप उस प्रोसेस से गुजरे, तो सीख के करेंगे तो बेटर है, वरना देखिए मर्जी आपकी है, हम कौन होते हैं बताने वाले। आज इस में जो भी बात करेंगे वो किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर डिस्क्लोजर मैंने लास्ट में भी नहीं दी थी। मैं अपना बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं अभी क्या करने जा रहा हूं इसके अंदर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूं इस स्टॉक में। फिलहाल पहले नवंबर 2022 में ये वाला वीडियो अपलोड किया था, जरा एक मिनट की इसकी क्लिप सुनिए कि हमने क्या बात करी थी। और 23 मई को भी हमने एक वीडियो डाला था मई 2023 में, उस वीडियो को आप सुनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां क्लियर बात करी थी कि बॉटम डन हो चुका है। पहले नवंबर वाला वीडियो सुनिए। लेकिन जो अभी लगाकर अगले 2-3 साल के लिए बैठेगा, पैसा उसी का बड़ा बनने वाला है। बुरे टाइम में अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, लाइन को नोट करिए, बुरे टाइम में अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, बुरे टाइम में अच्छी कंपनियों में लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको अपना डिस्क्लोजर दे दूं, मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको समझा दूं। ट्रेडिंग के लिए मैं बिरला सॉफ्ट में नहीं जाऊंगा, ट्रेडिंग कोई करना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 305 रुपए के ऊपर आए तो ही करना, ये मैंने लाइन लगाई है, इसके ऊपर आने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आपकी कोई अलग एक्सपर्टीज है फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें अभी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट जरूर करूंगा, जब भी मार्केट कल खुलेगा उसके बाद मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं, या जब भी मेरे पास कैपिटल आएगी एक अच्छी, मैं इन्वेस्ट करूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी है। मान लीजिए मुझे 100 शेयर लेने हैं तो मैं 60% अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला हूं, रेस्ट 40% मैं इन्वेस्ट करूंगा जब ये 215 के आसपास मुझे मिल जाएगा, तब मैं इसमें और रुपया डालूंगा। मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इस स्टॉक में बैठना चाहता हूं, एक छोटा अमाउंट लगाकर, वो छोटा अमाउंट लगाकर हम बैठेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए और देखते हैं कि शेयर कहां तक जाता है। मिनिमम टारगेट वहां से मेरा डबल है जो मैं अभी देख पा रहा हूं, मिनिमम 2x आने वाले 2 ईयर्स में हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, और अगर इससे ज्यादा होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और यहां पर फंडामेंटल्स के साथ साथ में कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो भी सीके बिरला ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल्स भी बोल रहे हैं कि 50-60% गिरने के बाद हर बार स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को वेल्थ बना के दी है, तो जो अच्छी कंपनी में बुरे टाइम में पैसा लगाएगा आखिर पैसा तो वही कमाएगा। तो आपने वीडियो सुना, पता चला आपको कि कितनी क्लियर बात करी थी कि यहाँ पे मैं 60% 70% जो मुझे लेना है वो लूंगा। एक्चुअली मुझे 1000 शेयर लेने थे, मैंने 600 लिए थे उस टाइम पे, और फिर थोड़े बहुत और लिए जब बॉटम का इंडिकेशन आ गया, 200 शेयर और लिए, टोटल 800 शेयर किए थे उनमें। आज मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो को मैं आपको दिखाने वाला हूं और डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए नो रिकमेंडेशन एट ऑल। क्लियर बताया था कि बढ़िया कंपनियों का बुरे समय में हाथ थामोगे तो बढ़िया कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी। अभी हमें कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है वो आप खुद निकाल के देख लो। पहले बात कर लेते हैं स्टॉक में अभी क्या हो सकता है। देखिए मैंने एक जनरल ट्रेंड बताया था कि स्टॉक करेक्ट होता है, बड़ी बड़ी करेक्शन आती है, ये हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन पैसा कौन कमाता है? जो इन बड़ी करेक्शंस में नीचे की साइड में पैसे लगा रहे वही कमाएंगे। नीचे की साइड में लगाना कब है? जब वेव बोले कि हाँ इंडिकेशन आ गए तब लगाना है, और नहीं बोल रही तो थोड़ा उस टाइम लगाओ, थोड़ा इंडिकेशन आने के बाद। तो हमने थोड़ा पहले लगाया, बाकी इंडिकेशन आने के बाद लगाया, वेव्स के इंडिकेशन आने पर। अब वेव समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसके लिए देखिए दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आना होगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। राइट नाउ स्टॉक में
मैं क्या करने वाला हूँ वो समझ लीजिए। पहले इसकी अपसाइड ही कैलकुलेट करिए कि इसने हमें कितनी अपसाइड दी अभी। आप मान के चलिए 250 से लेकर अगर मैं अभी तक का स्टॉक का अपसाइड देखूँ तो लगभग 60-70% स्टॉक बढ़ चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका कलर हम चेंज करते हैं अपने बॉटम से और इसमें हमें भी अच्छा रिटर्न स्टॉक जो है फिलहाल की डेट में देता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ अभी क्या होगा तो मैं आपके लिए वो डिस्कस करना चाहूँगा। चलिए सारी ड्रॉइंग में मिटाता हूँ। अभी के लिए सबसे पहले देखिए कि वीकली चार्ट पॉजिटिव है, क्लियरली अप ट्रेंड में है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है, बढ़िया साइन है। मंथली देखते हैं, हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को ध्यान से देखिए, ये एक उस जोन में जा रहा है जहां पर रुकावट के संकेत कुछ हो सकते हैं। देखिए ये एक बड़ी रेंज होगी जहां नीचे में होगा 375, ये लेवल होगा इंपॉर्टेंट लगभग 375 के लगभग का, और ऊपर में एक लेवल होगा 450-60 का, ये आप 460 समझ लीजिए और नीचे में 375 समझ लीजिए। ये एक बड़ी रेंज के अंदर जा रहा है जहां पर इसने पीछे काफी कंसोलिडेशन किया था, रुका था। देखिए आप ध्यान से यहां पर रुका था, तो हो सकता है आपकी बार भी रुक जाए, हम मना थोड़ी कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन आप अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो नहीं रुकेगा नहीं खाली तेजी में ही जाएगा, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी हैं, हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं वेव के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। हम ये थोड़ी कह देंगे कि इसको ऊपर जाना ही चाहिए, हाँ ऊपर जाना जरूर चाहिए लेकिन समय लगाकर, लेकिन हम चाहते हैं आज ही ऊपर जाए, आज ही कुछ ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। तो ये इस रेंज के अंदर कैप्ड है। मंथली चार्ट टोटल बुलिश है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहां से टोटल बुलिशनेस बनी हुई है मंथली चार्ट पे। आगे बात करते हैं डेली चार्ट की, हैव अ लुक एट डेली चार्ट। डेली चार्ट पे भी देखिए स्टॉक जो है क्लियरली बुलिश ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में है, बीच में एक गैप जरूर छोड़ा गया है यहां पे, बट वो इतना कोई मेजर गैप नहीं है जिसे हम फिल करने के लिए अभी फिलहाल वापस आए, तो ये चीज हमें नोट डाउन करनी होगी। और अगर डेली चार्ट को जूम आउट करके देखता हूं मैं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि स्टॉक के लिए मेजर हर्डल ये 440-460 की एक रेंज हो सकती है, उसके बाद में 500 रुपए पे एक मेजर हर्डल हमें स्टॉक पे नजर आएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई फ्रेश इन्वेस्टर उसे क्या करना है, कोई ट्रेडिंग करना चाहता है उसे क्या करना है, तो वो सारा डिस्कस करते हैं वीकली चार्ट पे। हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। सबसे पहले मेरा डिस्क्लोजर, मुझे पैसों की जरूरत है किसी और चीज के लिए, तो मैं यहां से अभी फिलहाल अपना जितना भी स्टॉक है, मान लीजिए मेरे पास अगर 800 स्टॉक है इसमें से, तो मैं एक बार इसमें से आधे स्टॉक यानी 400 स्टॉक खाली करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है जिसे मुझे दूसरे पर्पज के लिए चाहिए। तो मैं इस स्टॉक को चूज कर रहा हूं एक बार, और देखिए सीधी सी बात है 50% मुझे फास्ट और क्विक रिटर्न मिल गया सिर्फ 8-10 महीनों के स्पैन में, सॉरी 6-8 महीने के स्पैन में। अगर मैं बुक नहीं करूं तो फिर वो बेवकूफ़ी मेरी है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर की तरीके से देख रहा हूं इसको, और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जितना रख सकता हूं उतना मैंने रख दिया है। 400 स्टॉक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रखूंगा, बाकी 800 जो स्टॉक है उसमें से 400 मैं बुक कर रहा हूं, ताकि मेरी कॉस्ट एक तरीके से निकल जाएगी और मेरा बहुत छोटा अमाउंट रहेगा, मेरा पैसा आ जाएगा, कोई अनदर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसमें काम ले सकते हैं, बट मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे इसमें निकालना सही लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा बहुत निकालूंगा। हालांकि स्टॉक अभी भी बुलिश है, क्या 500-600 जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, समय लगेगा लेकिन डेफिनेटली जाएगा, बट अपनी सावधानी अपने हाथ, मेरे हाथ क्या, मेरा रिस्क रिवॉर्ड, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ बुक करूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास भी ऊपर से लिया हुआ है तो हम क्या करें, जिनके पास यहां का लिया हुआ है, तो देखो भैया सिंपल सी बात है, बेचने में कोई सार नहीं है, अगर आपके पास ऊपर का लिया हुआ है वेट करना चाहिए, ऊपर आ सकता है, ऐसा इस चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है डिसाइड आपको करना है। सेकंड चीज, किसी का यहां नीचे लिया हुआ है वो क्या कर रहा है, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है आप लॉन्ग टाइम रख सकते हो, थोड़ा बहुत पेन झेल सकते हो, थोड़ा बहुत करेक्शन आए वो झेलने को तैयार हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता नहीं कोई करेक्शन आएगा मेजर, लेकिन आता है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं होगी, तो अगर आप तैयार रहिए, बट आपको लगता नहीं करेक्शन आएगा तो उससे बेटर है कि मैं थोड़ा बहुत बुक कर लूं उसके बाद देखेंगे, तो आधा यहां पे बुक करना समझदारी होगी, थोड़ा बहुत बुक कर लिया जाए क्योंकि मेजर कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक जा रहा है, आधा बुक कर लिया जाए इस 440 के आसपास या जहां भी आपको सही लगता है बुक कर लिया जाए और बाकी आधे को रखा जाए। अब बाकी आधे को रखना सही होगा या नहीं होगा वो आप डिसाइड करिए, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, अगर इन्वेस्टर हो रखना चाहिए। और यहां पर बात करते हैं कि अगर स्टॉक मैं आज फ्रेश पैसा लगाना चाहता हूं, अभी ले लूं क्या, अभी लेके 600 कर लूं क्या, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा इस वीडियो के नीचे भी, अभी ले लूं क्या, क्यों, क्योंकि भाई ट्रेन निकल चुकी है, उसके बाद हम आ रहे हैं कि अब घुस जाऊंगा इस ट्रेन में, तो ट्रेन चलने के बाद टिकट कौन लेता है, वो तो चली गई स्टेशन से आगे, अब टिकट लेने का क्या मतलब हुआ। लेकिन फिर भी एक चीज आपको बता देता हूं कि स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट यहां पे है 375 का, चलिए मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं, 370-375 का एक लेवल है, वो मैंने यहां पे लगा देता हूं, 370-375 का लेवल है, अगर इसके नीचे स्टॉक आता है तो दिक्कत होगी, तब तक दिक्कत भी नहीं होगी ट्रेडर्स के लिए जो अभी घुस रहे हैं। अगर कोई अभी फ्रेश ट्रेड करने जा रहा है तो 375 को मेजर सपोर्ट बनाकर ध्यान रखे, ट्रेड मत कर लेना, खाली इसको सीखने के पर्पज से काम लो, पेपर ट्रेड करने के ट्रेड मत करना जाके मार्केट में, कि काम ले 375 के नीचे आता तो देखना क्या होता है, अगर 375 के नीचे नहीं आता तो स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में 480 500 600 के लेवल खुले हुए रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये नोट डाउन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एक क्विक अपडेट था मेरी तरफ से जो बिरला सॉफ्ट में मैं करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी नकल आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने तो यहां पे लिया भी था तब भी बहुत लोगों ने नकल नहीं करी, वो अब यहां पर लेंगे जब मैं 70% प्रॉफिट में बैठा हूं, एक्चुअली मेरा प्रॉफिट 50% है,
तो मैं यहां से इतना बैठा हूं, तो अब आप लोग नकल करोगे कि अब मैं घुस जाऊं। मैं बहुत बार हर चीजें दिखाता हूं, हर चीज शो करता हूं, लेकिन अब मैं बंद करूंगा इन चीजों को, क्योंकि मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। आप उसको कॉपी करने लग जाते हो, कॉपी मत करिए उसके, उसको रेफरेंस लेकर आप सीखने के लिए आइए। मैं चाहता हूं आप लोग सीखें, ये खाली टिप देने का कोई काम नहीं है, ना मैं टिप देना चाहता हूं। आप सीखने पर फोकस करिए कि इस चीज को अगर सर कमा सकते हैं, अगर मैंने कमाया है 50% का रिटर्न, या मैं आगे जेनसार में 200-250% के रिटर्न पे है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सीखने की बजाय क्या लूं क्या बेचूं इस पे फोकस करते हैं। अरे भाई पहले सीख तो ले, डॉक्टर बनता आदमी तो ये सोचता है कि किसका ऑपरेशन करूं जाके, पहले सीखेगा या डॉक्टर बनके ऑपरेशन करेगा, वो बोलेगा फीस दो मेरी, ऐसे थोड़ी होता है। पहले सीखो चीजों को, फिर आगे अपने प्रोफेशन में उतरो। और ऐसी ये बिजनेस है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, 4 साल मेहनत करते हो, तब ये थोड़ी दिमाग में रखते हो नौकरी कहां लगेगी, आपको क्या पता लगेगी भी या नहीं लगेगी भी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि पहले सीखो फिर आगे हो ना, मेरा मोटिव है सिखाना। तो मैं अब इन चीजों को आगे आपके साथ शायद शो ना करूं, इसलिए मैं खाली इतना बता सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, हिंट देता रहूंगा, बाकी मैं आपके सामने क्लियर डिस्क्लोजर अब से नहीं लाना चाहता। और ये ध्यान रखिए कि यहां से स्टॉक जैसे ही ऊपर की साइड निकलेगा तो और तेजी में और बुल्स इसमें एक्टिव होंगे। स्टॉक के लिए अभी भी 550-600 के जो गेट है वो खुले हुए हैं एज इट इज हैं, बट ध्यान रखना है फ्रेश कोई ट्रेडर जाता है तो वो 375 को सपोर्ट ध्यान में रखे। इन्वेस्टर है कोई तो उसके कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टर बाय ऑन डिप करना चाहे तो ही इन्वेस्टर हो आप, वरना आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ये ध्यान रखिए। अगर कोई बाय ऑन डिप करता है, मैं अगर यहां पे होता, मेरे पास ये स्टॉक नहीं होता, तो मैं बाय ऑन डिप करता तो सोचता, वरना मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटी उस पर फोकस करिए। यहां पे मैं फिलहाल इसमें आधी क्वांटिटी बेच के निकल रहा हूं, जो मेरा क्लियर अपडेट था मैंने आपको देना उचित समझा, क्योंकि जब मैंने बाय किया था तब भी अपडेट दिया था, जेनसार भी जब मैंने बाय किया मैंने क्लियर स्क्रीनशॉट तक दिखाए थे कि ये मेरा बाय है और मैं अपडेट दे रहा हूं, सेल किया तब भी आपको दिखाया था, लेकिन अब मैं सब चीजें बंद करूंगा। आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मैं यहां से कुछ क्वांटिटी बेच के निकल रहा हूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि मुझे तो पैसों की जरूरत है कुछ अदर पर्पस के लिए, तो अगर आपको डिसीजन अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर ये चीज सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एनालिसिस को आप भी करना चाहते हैं, इन वेव्स को समझना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए दोस्तों, सीखिए 2 महीने कंटिन्यू, टाइम 2 महीने तो मिनिमम लगता ही लगता है, फिर आप लाइफ टाइम हमारे ग्रुप में रहते हैं। लाइफ टाइम ग्रुप में सिखा के कोई नहीं रखता, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप कभी भी लो कॉन्फिडेंस फील करो तो कॉल करके पूछ लो कि इस चीज में दिक्कत है करूं क्या, इसलिए हम लाइफ टाइम ग्रुप की कमिटमेंट देते हैं ताकि आप पूछ सके और आप आगे बढ़ सके। हमारे लिए एक स्टूडेंट एक फैमिली का हिस्सा रहेगा, तो वो अगर करना चाहे तो आप आइए, इस नंबर पर डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कॉल करके पूछ लीजिए कैसे होगा क्या होगा, वेव एनालिसिस में जुड़िए, 1 टाइम जुड़कर लाइफ टाइम का फायदा आप ले सकते हैं। और साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां मैं प्रीमियम चार्ट डालता हूं, तो उसके लिए ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स एलआईएस में अकाउंट खुलाकर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, नंबर दिए हैं कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए आपका धन्यवाद।